क्वेश्चन है ये आपका, ये प्रीवियस ईयर का है। आप इस क्वेश्चन में देखें, आप लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू वेयर एक्स ये पाई, जब पाई दिया हुआ है आपको क्या करना है, ये आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ठीक है। ये आपको लिमिट का भी जो आपको जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका 10 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। मार्क्स कितना है 10 का है, एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स माइनस क्या है 2, तो इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर बाई एक्स माइनस टू, तो ये आपका क्या होगा एक्स प्लस टू इंटू क्या होगा एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ये और ये कट गया। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस टू। अब यहाँ से हम लोग लिमिट का वैल्यू लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू कितना लेंगे 2, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स प्लस टू। सो यहाँ से एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं 2 + 2 इक्वल टू कितना जाएगा 4, तो ये वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। इसको पुट करते हैं यहाँ पे, ये इसका पावर में है, ठीक है, ये आपका पावर में है, ये मार्क्स इसका, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ देखिए कैसे ही बनेगा, ये अगर हम लोग एक्स की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, हम लोग क्या पुट कर देते हैं, ए पुट कर देते हैं, यहाँ देखते किस फॉर्म में है, पहले उस चीज़ को देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना ए पाई बाई 2, मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, जब भी इसका इस फॉर्म में होगा तो हम लोग लॉग लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। लॉग लेके हम लोग क्या करते हैं, लॉपिटल रूल की अप्लाई करेंगे, लॉपिटल रूल के लिए पता होगा ये डिटर्मिनाट होना चाहिए आपका, ठीक है, ये फॉर्म में आना चाहिए, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको लॉग लेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि ये पावर आगे आ जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब लॉग लेंगे यहाँ पे तो पावर क्या आ जाएगा आपका आगे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 10 πx/2a इंटू क्या होगा लॉग, ये क्या आ जाएगा 2 − x/a, ये आ गया 2 − x/a। अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग लेते हैं क्या, ये वैल्यू जो है ये क्या आ जाएगा आपका, इसको हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे इस चीज़ को, तो जब जिसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 10 का करेंगे, या तो हम लोग 10 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, ये 10 को कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लें, यहाँ पे ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया हुआ, ठीक, इक्वल टू ए। अब यहाँ पे क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, और ये क्या होगा आपका लॉग क्या आ जाएगा 2 − x/a होल डिवाइडेड बाय ये क्या है कॉट, ये क्या आ जाएगा आपका πx/2a। अब ये क्या है 0/0 के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a पुट करेंगे तो a बाई 2 − 1 तो log 1 इक्वल टू इन्फिनिटी हो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये किस फॉर्म में है 0/0 फॉर्म में, तो यहाँ से क्या कहेंगे बाय लॉपिटल रूल क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू लॉग का क्या हो जाएगा 1/x मतलब 2 − x/a ये आ जाएगा लॉग का, ये आपका लॉग इन टू इक्वल टू क्या होगा 1/a, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना −1/a ये आ जाएगा, और कॉट का क्या आ जाएगा कॉट का आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर, क्या आ जाएगा कॉट का −cosec² πx/2a इंटू क्या होगा π/2a। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए ये आ जाएगा, ये इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे ये जो है ये क्या आ जाएगा आपका देखें ये वैल्यू जो आएगा हम लोग के पास दूर दूर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, नज़दीक नज़दीक के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका देखें 1/a, जैसे 1/a करेंगे ये और ये आपका क्या होगा कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपका कट जाएगा, और ये वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा π/2 है, तो ऊपर जाके क्या होगा 2π/a ये वैल्यू आ जाएगा इसका, और यस देखते हैं यहाँ पे 2 ये वैल्यू आपका सबसे ऊपर जाएगा, ये आपका 2π/π ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा आपका 2 × x − a इंटू क्या होगा कॉसेक स्क्वायर πx/2, ठीक है।
ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ से जैसे इसका वैल्यू पुट करेंगे, देख लें आप ये हट चुका है, ये अगर x का वैल्यू हम लोग a पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, देखें पुटिंग x इक्वल टू a, तो यहाँ से जैसे पुट करेंगे x का वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा क्या, ये टू है, यस टू है, ये आपका वन बन जाएगा। और कॉसिक स्क्वायर पाई बाय एक्स मतलब कॉसिक का जो है 90 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, वन होता है। तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टू बाई, इसको अगर वाई लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या होता है लॉग वाई, ठीक है, ये लॉग वाई होगा, ये लॉग वाई होगा, ये क्या होगा लॉग। अब हमको सिर्फ वाई का वैल्यू फाइन करना है, तो देख लें वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये लॉग वाई का वैल्यू सारा निकल गया ही, और वाई का वैल्यू जो निकलेगा यहाँ पे कितना होगा, देख लें इस चीज़ को, ये वैल्यू कितना आ जाएगा देख लें आप, ये वैल्यू इसके जैसे ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू क्या होगा, ई टू दी पावर टू बाई फाइव इक्वल टू आंसर, ये आपका लिमिट एग्जिस्ट हो। अब हम लोग का क्वेश्चन ये है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट होगा तो हम लोग ये मान के बना रहे हैं, ठीक है, कि अगर वो लिमिट एग्जिस्ट है तो उसका वैल्यू निकाल लेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो नहीं निकलेगा वैल्यू हम लोग का। ये 2018 का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लें क्वेश्चन में, इफ लिमिट जेड टेंस टू वन, वन माइनस जेड इंटू टेन पाई जेड बाई टू एग्जिस्ट देन इट शुड बी क्या होना चाहिए, लिमिट इट शुड बी जेड टेंस टू वन, ये होना चाहिए। अगर ये जेड टेंट करेगा वन को तो ये भी लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, लिमिट जेड टेंस टू वन है और ये क्या, वन माइनस जेड इंटू क्या आपका टेन पाई जेड बाई टू, और यहाँ टेन को हम लोग क्या यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसको, ये हम लोग के पास किस फॉर्म में है, जीरो इंटू जीरो के फॉर्म में, ठीक है, जीरो इंटू जीरो के फॉर्म में, तो ये भी आपका क्या है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, इसको अलग कर लेते हैं हम लोग, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में कर लेते हैं या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो वन माइनस जेड होगा, ये टेन को लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई जेड बाई टू, और ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस पाई जेड बाई टू। ये आप देखें, अब इसका वैल्यू अगर वन पुट करेंगे तो कितना होगा, देखें जेड अगर वन का पुट करेंगे इसका वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो फिर जीरो आ जाएगा, ये आपका जीरो बाय जीरो के फॉर्म में हो, अप्लाइंग लॉपिटल रूल, ठीक है। अब यहाँ से लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा देखें, यहाँ पे साइन कॉड, नो हम लोग साइन बाई कॉस नहीं करते हैं, हम लोग कॉड में कर लेते हैं इसको, ठीक है, हम लोग कॉड में कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, टेन का क्या होगा, कॉड हो जाएगा वन माइनस सेट, और ये क्या हो जाएगा, कॉड फाइव सेट फाइव क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब यहाँ से देखें ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में, ठीक है, ये जीरो बाई जीरो, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक, यहाँ पे होगा लिमिट जेड टेंस टू वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, ये क्या होगा आपका, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, वन माइनस जेड है तो ये जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डी वन, वन का जीरो होगा, ये माइनस वन हो जाएगा, कॉड का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई जेड बाई टू, और इसका जो कॉफिशियंट है क्या है, पाई बाई टू, ये है, ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से हम लोग जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे जेड का, कितना पुट करेंगे, वन, तो ये पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू का वैल्यू हम लोग के पास क्या होता है, कॉस इन नाइनटी का क्या होगा, वन होता है, पुटिंग जेड इक्वल्स टू वन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, वन बाई वन इंटू पाई बाई टू, ठीक है, ये ऊपर कर ले आप, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, टू बाई वन, जो आंसर एग्जिस्टेंट इक्वल टू टू पाई। लिमिट फाइंड करना हो ना तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, ऑप्शन मतलब लिमिट फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारा थ्योरम होता है, सैंडविच थ्योरम है, ठीक है, आपका लिमिट फाइंड करने के लिए आपका बहुत सारा थ्योरम, उस थ्योरम को आप जरूर याद रखेंगे तभी आपका यहाँ से बन पाएगा। सैंडविच थ्योरम पहला आपका सैंडविच है, नेक्स्ट है कैसारोस थ्योरम है, नेक्स्ट जो है कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब कोशी है, कोशी का फर्स्ट थ्योरम भी है, सेकंड थ्योरम भी है, इसके साथ साथ जो है स्टॉल्ज ये थ्योरम भी है, ठीक है, तो ये सारे थ्योरम्स आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा तभी ये सारा चीज़ बन पाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके अलावे जो है हम लोग के पास, इसके अलावे लिमिट के लिए हम लोग फाइंड करने के लिए, जैसे हम लोग इस तरह के लिमिट को कैसे फाइंड करेंगे उस चीज़ को अब देख लें, ठीक है।
इसका वर्किंग रूल लिखा देते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है इसका पहले वो लिखा देते हैं हम। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल में जो होगा आपका वर्किंग रूल टू फाइंड लिमिट ऑफ द सम, टू फाइंड लिमिट ऑफ द सम, लिमिट ऑफ द सम। तो सबसे पहला तो ये प्लेन जो समेशन है उस समेशन को हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। रिप्लेस बाय, रिप्लेस समेशन बाय, जो सिर्फ समेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इससे करेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है नंबर, नेक्स्ट जो है एंड एंड आर एन बाय एक्स, और ये जो आर एन होगा नंबर तीसरा, तीसरा आर एन, आर बाय एन बाय एक्स, आर बाय एन को हम लोग किस में करेंगे, एक्स के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, आर बाय एन को हम लोग एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। चौथा, चौथा वन बाय एन को हम लोग आर बाय एन इक्वल टू एक्स में लिखेंगे, और वन बाय एन को जहाँ वन बाय एन होगा वहाँ पे क्या करेंगे बाय डी एक्स हम लोग ये लिख देंगे, ठीक है, बाय डी एक्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पाँचवा, पाँचवा ये है, पाँचवा में क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्टेंड लोअर एंड अपर लिमिट्स, ठीक है, ऑब्टेंड लोअर एंड अपर लिमिट, लोअर एंड अपर लिमिट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लोअर एंड अपर लिमिट निकालेंगे बाय कंप्यूटिंग, बाय कंप्यूटिंग, बाय कंप्यूटिंग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर बाय एन, आर बाय एन। इससे हम लोग क्या करेंगे उसका वैल्यू को निकालेंगे हम लोग, इसका वैल्यू जो होगा जैसे हम लोग के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट निकालेंगे, ताकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा बी होगा, और लीस्ट एलिमेंट क्या होगा ये, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ये क्या होगा लीस्ट एलिमेंट, तो ये निकालेंगे हम लोग, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखें हम लोग, इसके बाद जो है जो सिक्स नंबर होगा इवेल्यूएट, इवेल्यूएट द इंटीग्रल, जो हम लोग के पास इंटीग्रल मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे इवेल्यूएट करेंगे, एंड फाइंड, एंड फाइंड लिमिट, एंड फाइंड लिमिट, और लिमिट को फाइंड करें। ये जो पार्ट होगा वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा पहला। दूसरा ये जो वन बाय एन है, ठीक है, ये जो वन बाय हुआ, ये जो हम लोग को इस फॉर्म में लिखना होगा वन बाय एन एंड एफ ऑफ आर टू द पावर एन, एफ ऑफ आर टू द पावर एन, ये हम लोग इस फॉर्म में लिखना होगा, मतलब फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर बाय एन के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे समझ लें इस चीज को, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आपका पावर फंक्शन में है ना सर, पावर में क्या फंक्शन में पावर आप बोल रहे हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये एफ ऑफ फंक्शन बाय, मतलब फंक्शन के फॉर्म में आर बाय एन के फॉर्म में, ठीक है, फंक्शन ऑफ आर ऑफ आर बाय एन। अब यहाँ से हम लोग इस फॉर्म में लाना है, हम लोग यहाँ पे वन बाय एन स्क्वायर है, हमको वहाँ पे एन लाना, वन बाय एन लाना है, ठीक है। यहाँ करते क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये दिया हुआ है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, ऊपर में कॉमन लेंगे, हमको आर बाय एन चाहिए, इसलिए हम लोग एन स्क्वायर कॉमन लेंगे अंदर में, ठीक है। तो जैसे हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पे, ये तो बाहर में वन बाय एन स्क्वायर है, और यहाँ से क्या है समीशन ऑफ आर की पावर जीरो, आर इक्वल टू जीरो इंटू एन माइनस वन, और जैसे इसको कॉमन लेंगे कितना कॉमन लेंगे वो एन स्क्वायर, तो बाहर आके क्या बचेगा एन बचेगा, और ये रूट टर्न के अंदर क्या आ जाएगा वन माइनस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। देखिए आ गया उस फॉर्म में, ये और एन ये आपका कट जाएगा, ये एन बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा, और वन बाय एन, वन बाय एन, और ये क्या होगा आर, आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा आपका वन माइनस आर स्क्वायर और एन स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं, देख लें यहाँ पे ये फॉर्म में पूरा आ चुका है आपका। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए आपको बता चुके हैं कि इसमें क्या होगा रिप्लेस समेशन बाय इंटीग्रेशन, तो हम लोग इसको समेशन को हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन में चेंज कर रहे हैं, ये जो समेशन है इसको हम लोग क्या करें इंटीग्रेशन में चेंज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड आर बा एन बा एक्स, जो आर बा एन है उसको एक्स में कन्वर्ट कर लिए हम लोग, आर बा एन को क्या करेंगे एक्स बाय एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लें यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस क्या होगा एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से एक डी एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा आपका डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से हम लोग का लोअर अपर लिमिट चाहिए,
तो लोअर और अपर लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये चेक करेंगे हम लोग, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो आर बाय एन, आर बाय एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो आर बाय एन का वैल्यू क्या होगा उस चीज़ को फॉर द यहाँ पे इसका वैल्यू को हम लोग देखेंगे आर बाय एन का वैल्यू, तो यहाँ पे देख लें यहाँ पे आर स्क्वायर और एन स्क्वायर है, यहाँ पे आर का वैल्यू पहले तो जीरो होगा, ठीक है, और जीरो से हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, तो वन तक जाएगा, ये आपका लिखेंगे क्या जीरो से वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करें, देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन के लिए आपको जो है डायरेक्ट भी बना सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर से, या अगर अगर नहीं बनाएंगे तो यहाँ से कुछ मान सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा मान लेते हैं, ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं कॉस थीटा मानेंगे, तो जैसे कॉस थीटा मानेंगे तो यहाँ पे क्या होगा डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी एक्स बाई क्या होगा आपका डी थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और ये आपका क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट माइनस साइन थीटा इंटू टी थीटा। अब यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो इसको चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, देखें लोअर लिमिट कितना होगा जीरो, बट एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो लेंगे तो क्या होगा ये जीरो होगा, ये पाई बाई टू, मतलब ये क्या होगा जीरो से पाई बाई टू, और ये क्या आ जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डी एक्स का वैल्यू कितना देखें आप माइनस साइन थीटा इंटू क्या होगा डी थीटा, ये आपका जो वैल्यू निकलेगा क्या होगा जीरो से पाई बाई टू, और ये क्या आ जाएगा आपका वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, तो यहाँ साइन होगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कर लें आप, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड दो से करेंगे तो ये आपका जीरो से पाई बाई टू होगा, और ये क्या आ जाएगा वन वन माइनस कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो माइनस वन बाई टू वन का थीटा होगा, और कॉस टू थीटा का क्या होगा साइन टू थीटा बाई टू, तो यहाँ से जीरो से पाई बाई टू, एक बार जीरो बैठाएंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, और पाई बाई टू बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिए आप, तो पाई बाई टू अगर बैठा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा माइनस वन बाई टू, तो बाहर में आएगा ही आएगा, ये आपका पाई बाई टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कितना बैठेगा आपका साइन टू थीटा बाई टू, टू तो बाहर ही रहेगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू मीन्स टू इंटू पाई बाई टू मीन्स टू टू कैंसिल, मतलब क्या होगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है जीरो, तो साइन पाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस पाई बाई टू जो आंसर है।